तो गाइस लंच में बना है मैंने करी चावल चावल कड़ी और और आलू का पकौड़ी। आलू की पकौड़ी। आपको भी ऐसे क्रिस्पी और फुले फुले आलू की पकौड़ी बनाना जाना है तो कमेंट करना। कैसे हैं बाबू पकौड़ी? बेबी एकदम मस्त क्रिस्पी 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 को बहुत अच्छा क्रिस्पी। लगा। और ये जो हम यूज करते हैं बेसन 100% प्योर है बिकॉज टाटा का है। आटा संपन्न बेसन। हाँ बेबी बोले थे लेने के लिए। और हम लोग कर रहे हैं लंच। सो गाइस शाम हो गया है, अभी बेबी आएंगे थोड़ा देर में। एंड यहाँ पे सनसेट हो रहा है। यहाँ पे एक बगल में स्कूल है गाइस, वहाँ पे जो स्कूल बसेस दिख रहे हैं वो स्कूल है। और दिन भर शोर होता रहता है वहाँ पे दिन भर। हम स्कूल जाते थे ना तो हमारे स्कूल में इतना मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि लोग जो बगल से गुजरते थे वो पूछते थे कि स्कूल का छुट्टी है क्या, कोई है कि नहीं स्कूल में, इतना साइलेंस होता था। लेकिन यहाँ पे सुबह के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जोर जोर से फिल्म मतलब फिल्मी गाने बजाते हैं, बच्चों का डांस क्लास चलता होगा। आई डोंट नो स्कूल में इतना जोर से गाना बजाते हैं। आप देख रहे हैं वो वाला बिल्डिंग येल्लो वाला, उससे यहाँ तक सुनाई देता है। तो मुझे आई गेस कि ओ बगल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें कैसे मतलब पढ़ाई मतलब होता होगा, उनका कैसे पढ़ाई करते होंगे, इतना जोर से बजता है कि मैं मतलब बोलने वाला वीडियो भी नहीं बना पाती, इतना डिस्टरबेंस होता है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, सारे बच्चे पढ़ाई करते थे, सारे बच्चे एक ही बार स्पोर्ट्स पे जाते थे, सारे बच्चे एक ही बार कल्चरल चीज़ें करते थे। सो गाइस मैं एक्चुअली गार्डन में आप लोगों को, ये देखिए कैसे जा रहे हैं, शाम का टाइम है तो सारे पंछी अपने घर पे जा रहे हैं। और मैं एक्चुअली आपको अपने गार्डन में लेके जा रही हूँ। छोटा सा गार्डन है, कोई गार्डन नहीं है एक्चुअली, चार चार आठ प्लांट्स हैं उसको दिखाऊंगी। बट एक खूबसूरत सा प्लांट उभर के आया मेरे मतलब गार्डन में, जो कि है ये वाला प्लांट। गाइस ये वाला प्लांट इतना मतलब मुझे पता ही नहीं था कि क्या प्लांट है, आंटी लगा के गई थी और ये क्या है, मैंने बोला कि आंटी मुझे नहीं पता कि क्या है। एंड फिर अभी कुछ दिन, अभी एक 3-4 दिन हुआ है इसको आए हुए, एंड इतना प्लेजेंट खुशबू है गाइस कि इसको सुन के लगता है कि कोई मतलब एक्सपेंसिव परफ्यूम लगा रहे हैं, इतना खूबसूरत खुशबू है। और मुझे नाम नहीं पता, आपको पता होगा आपके शहर में क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना। दोबारा से दिखाती हूँ, कितना सारा कली दे रहा है, सारा ऐसा ही फूल खिल के आएगा मुझे लगता है। और यहाँ पे है ये वाला दूसरा वाला फूल जो मैं नॉर्मली जानती हूँ, आंटी ने यहाँ पर भी वही सेम पौधा लगाया है। मुझे लग रहा था ये क्या घास फूस है, लेकिन ये वाला फ्लावर देख के ना तो मैं मतलब फैन हो गई इस फ्लावर की। ये है हाइबिस्कस, आंटी को फ्लावर्स के पौधे बहुत पसंद है, आंटी का है लेकिन मैंने देखभाल किया हुआ है। और मेरे पौधे यहाँ पे हैं, मैं केवल काम के पौधे लगाती हूँ गाइस, डोंट माइंड। ये है तुलसी जी, वो एलोवेरा है, वो सारे अजवाइन है, अजवाइन का मैं पकौड़ी बनाती हूँ कभी कभी। इसमें तुलसी का बीज डाल दिया था मैंने, बीज दिया था तो। और ये सारे एलोवेरा के बच्चे हैं जो हमारे एलोवेरा ने दिए हैं। तो गाइस बेबी आते होंगे अभी कुछ देर में, अभी बज रहा है 6:30, 6:30 हो रहा है, अभी आएंगे कुछ टाइम में। गाइस ये घर के सामने बड़ा सा खाली साइट है जहाँ पे बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं। और ये एक बड़ा सा बिल्डिंग है, बिल्डिंग वाले यहाँ पे कचरा डाल डाल के ढेर बना दिए हैं, जिसको देखने के लिए कुत्ते आते हैं बहुत सारे अलग अलग एरिया के। और ये एक कुत्ता है। और ये वाला बिल्डिंग हमारे घर के सामने वाला है, ये जो दो है ना मतलब 1, 2, 3, 4, ये एक ही घर है। ये बेडरूम है, ये हॉल है, ये दोनों एक ही घर है। और ये बेडरूम है, एक हॉल है, एक ही घर है, मतलब टोटल 4 है, 8 है ना, तो दो दो एक घर का है तो टोटल 8 है। और शाम में लोग बाहर निकल रहे हैं वॉकिंग करने के लिए। ये हमारा गली है और चांद भी नज़र आ रहा है गाइस, यहाँ पे चांद नज़र आ रहा है और यहाँ पे सूरज, दोनों एक साथ आए हैं आसमान में। आपने कभी ऐसा देखा है कमेंट करके बताना।
बहुत मतलब खुला आसमान है, इवन बारिश का मौसम है फिर भी ब्लू ब्लू बादल दिख रहा है, आसमान बादल नहीं है। ये जला दिया है और अभी जा रहे हैं पार्क, थोड़ा बोरिंग लग रहा है इस वजह से। बेबी यहाँ पे हंस रहे हैं पता नहीं क्यों, बोल रहे थे बहुत थक गए हैं आज, बहुत काम किया। चलिए कोई बात नहीं, चल रहे हैं। तो गाइस फाइनली घर आ गए हैं वॉकिंग से, और बाहर पूरा रात हो गया है, और यहाँ पे देखिए बाहर छत पे सोना रामू को बिस्किट खिला रही है। गाइस मैं जा रही थी डिनर बनाने के लिए, और आज मैं बनाऊंगी क्लस्टर बीन का सब्जी। क्लस्टर बीन आपको पता नहीं है क्या है, तो ये देख लीजिए ऐसा होता है, दिखा दो, ऐसा ऐसा होता है। इसको बेबी तोड़ रहे हैं, बहुत लोग काट के बनाते हैं लेकिन मुझे तोड़ के ही बचपन से आदत है, और तोड़ने पे उसका जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ रेसा, वो निकल जाता है। और बहुत लोग नहीं जानते इसको, नॉर्थ इंडियन लोग शायद मिलता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बेबी भी नहीं जानते थे, जब से मैंने बना के खिलाया बेबी नाम नहीं जानते थे, गवार फली बोलते हैं। सो गाइस बेबी बोल रहे हैं कि रेसिपी बता दो व्यूअर्स को, तो बहुत जल्दी बन जाता है, फटाफट से बनाएंगे अभी। तो ठीक है अभी जाएंगे हम बनाने के लिए, तो उसका भी शूट करके डाल देंगे। बेबी को इतना पसंद है कि रेसिपी भी शूट करवा रहे हैं इसका, आप ध्यान से देखना और एक बार ट्राई करके देखना, और बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको, बार बार मार्केट से ला के खाएंगे आप लोग, है ना। बेबी को वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, फिर भी ये वाला वेजिटेबल हाँ कहाँ पसंद है, मूली खाते हैं, मूली हाँ, भिंडी का सब्जी भी बनाते हैं साउथ इंडियन, वो भी नहीं खाते हैं, कोई भी वेजिटेबल कच्चा नहीं पसंद है, और ये वाला इतना पसंद है कि हमेशा मार्केट से लेके आते हैं। तो आज रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी मूंगफली भुनेंगे हम लोग। एक नॉर्मल सा पैन ले लिया है जिसपे रोटी बनाती हूँ, तवा, बेबी बोल रहे हैं तवा, ओके तवा। इतना सा मूंगफली लिया है, एक मुट्ठी मूंगफली। अब जितना सब्जी बना रहे हैं उसके हिसाब से अंदाजे से डालिए, जिसमें सब्जी में थिकनेस आ जाए उतना, थोड़ा और डालूंगी। हाँ दो आदमी के लिए एक मुट्ठी डाल रहे हैं, इतना हो गया। देखिए इसको अच्छे से भून लेना है गाइस, गाइस कुछ इस तरीके से आप लोगों को भून लेना है, जहां पे डॉट डॉट बन जाना चाहिए मूंगफली पे भुना हुआ ऐसा। इसके बाद इसको निकाल लेंगे और इसी तवे पे हम लोग डालेंगे कुछ हरा मिर्च। इसके साइज पे मत जाना, ये बहुत तीखा है, तो मैंने लगभग 10 हरा मिर्च डाला हुआ है। सो फ्रेंड्स मिर्ची भी भून के हो गया है, इसके ऊपर भी ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ जाने चाहिए, तो इसको भी मैं निकाल लूंगी। ब्लैक कलर का जीरा जैसा होता है लंबा लंबा, आप देख सकते हैं, कलौंजी अलग है, कलौंजी और कलौंजी जैसा होता है, सब्जा बीज अलग है, कंफ्यूज मत होना, इसको राम तिल बोलते हैं। और तवे पे डालते ही ये ऐसे पट 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 करने लगेगा, आवाज करने लगेगा, तो तुरंत से निकाल लेना है, ज्यादा देर नहीं पकाएंगे, थोड़ा और डालते हैं। फ्रेंड्स राम तिल बोल के किसी भी किराने के स्टोर पे आप बोलेंगे तो मिल जाएगा आराम से, मुझे लगता है नाइजर सीड्स हिंदी में, मतलब ज्यादा लोगों को पता नहीं रहेगा। भूनने के बाद थोड़ा ब्राउन हो जाता है, इसको भी निकाल लेंगे इसी प्लेट में। गाइस मेरे पास लहसुन अदरक नहीं है, बट कोई बात नहीं, वो ऑप्शनल होता है, मैं कोई भी चीज नहीं होता है तो आराम से बना लेती हूँ रेसिपी। लहसुन है तो जरूर से डालना, अदरक डाल भी सकते हैं नहीं भी सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन लहसुन है तो जरूर से डालना, हम लोग मार्केट नहीं गए थे ना, तो नहीं इसी में डाल के मसाला बना लेना है मूंगफली के साथ। और ये बेबी ने तोड़ के दे दिया है, इसको भी भून लूंगी। आप सोच रहे होंगे बिना धोए भून रहे हैं, लेकिन इसको भूनने के बाद धोया जाता है, बिकॉज धोने के बाद ये अच्छे से भूनता नहीं है। गाइस ये क्लस्टर बीन है, इसका टेक्सचर पूरा अलग होता है, मैं बता देती हूँ, बिकॉज ये थोड़ा कच्चा होता है, इवन आलू की सब्जी जैसा बनाएंगे ना तो कच्चा रहेगा, तो इसके लिए आपको तवे पे अच्छे से भून लेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, सब्जी में अच्छे से घुलेगा और जल्दी भी पकेगा, तो इसके लिए भूनना जरूरी है, तो भूनना मिस मत करना, अच्छे से भून लेना इसको तोड़ के। ऐसे काट भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे तोड़ के लिया है इस फली को। गाइस फली भून के हो गया है, आप देख सकते हैं कैसे काले काले धब्बे हो गए हैं,
तो इस यहां तक आपको भुनना है और मैं गैस को ऑफ करके इसको ट्रांसफर करूंगी और इसको डालूंगी इस कढ़ाई में जिसमें ऑलरेडी पानी में मैंने आलू को काट के डाल दिया है। इसमें आलू भी डलता है गाइस। आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ये मसाला का मैंने पीस के रखा है जिसमें है हरा मिर्च, मूंगफली भुना हुआ और ये रामतिल। रामतिल थोड़ा जरूरी है इस सब्जी के लिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप मूंगफली, लहसुन और मिर्ची को पीस कर भी बना सकते हैं। तो फटाफट से इस मसाले को पीस लूंगी मैं। तो गाइस कुकर मैंने गरम करने के लिए रख दिया था एंड अभी डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। गाइस तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इम्पोर्टेंट है, स्किप मत करना। एंड उसके बाद डालूंगी प्याज, कटा हुआ प्याज है, बारीक काट के लिया है। गाइस प्याज को ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा पकते ही मतलब एक मिनट तक, उसके बाद हम अपने धुले हुए क्लस्टर बीन और आलू डाल लेंगे जो धो के रखे थे। गाइस यहाँ पे आलू और क्लस्टर बीन डाल दिया है और सब्जी बन रहा था तो मैंने माइक लगा लिया, अभी आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगा। गाइस मैं एक बात बता देती हूँ, साउथ इंडियन सब्जी को ज्यादा भूना नहीं जाता है। आप सोच रहे होंगे नॉर्थ इंडियन लोगों को मतलब आदत होता है सब्जी भून के बनाना, बट ये वाला सब्जी ऐसा ही बनता है। अभी जितना मर्जी भूनना है भून लो, लेकिन एक बार मसाला पड़ गया तो ज्यादा भूनना नहीं है। बेबी एक बार बनाए थे भून के, बिल्कुल टेस्ट चला गया था। मैं जैसे बता रही हूँ बिल्कुल वैसे बनाना, तभी अच्छा से स्वाद आएगा। थोड़ा भून गया है फली तो इस समय पे मैं टमाटर डालूंगी। हमारे यहाँ पे महंगा हो गया है तो थोड़ा डाल रही हूँ, आप लोग ज्यादा से डालना तो टेस्ट अच्छा से आएगा। और टमाटर डाल के अच्छे से चला लूंगी बस एक 20 सेकंड के लिए। सो यस गाइस इस टाइम पे मैं अभी डाल रही हूँ मेरे मसाले। मैंने लिया है एक चम्मच धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसीलिए मैंने थोड़ा सा डाला है, डाल भी सकते हैं स्किप भी कर सकते हैं। डाल के थोड़ा चलाऊंगी, बिल्कुल नहीं भूनना है इसको भी, बस एक 20 सेकंड तक ही चलाना है मैं बता रही हूँ। थोड़ा भुनने के बाद मैं ये मसाला डालूंगी, ये नारियल, ये मूंगफली वाला मसाला है जो पीसा था। इसको पानी से अच्छे से धो के जार को ले लिया है मैंने और अभी पूरा जार को अच्छे से धो के डालूंगी। अच्छे से मसाला डालने के बाद सो गाइस यहाँ पे सब्जी के लिए जितना पानी लगता है उतना डाल दूंगी। गाइस यही इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिए, इसी से सब्जी में टेस्ट आता है। जब तुरंत मसाला डाला तो तुरंत ढक्कन बंद कर देना है इसे थोड़ा चला के। अभी नमक डालूंगी, नमक नहीं डाला है मैंने, लास्ट में डालती हूँ मैं। गाइस मुझे जितना पानी चाहिए था सब्जी में मैंने डाल लिया है और यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। एक बात बता देती हूँ, क्लस्टर बीन में नमक थोड़ा कम लगता है तो कम डालना। एंड इस मसाले को बिल्कुल नहीं पकाना है बिकॉज हम लोगों ने भून के इस मसाले को बनाया था ना, तो अभी तुरंत से ढक्कन बंद कर देंगे। अगर आप भूनेंगे इसको तो आपका सब्जी खराब होने वाला है, फिर मुझे ब्लेम मत करना। गाइस यहाँ पे कुकर में मैंने सब्जी बनाने के लिए रख दिया है और एक या दो सीटी पे तुरंत बंद कर देना है बिकॉज भुना हुआ है ना क्लस्टर बीन, वो बहुत जल्दी से पक जाएगा। और छोटा छोटा आलू काटा है उसके बराबर वाला तो वो भी साथ में पक जाएगा। तो मैं रोटी बनाऊंगी और ये बेबी का फेवरेट सब्जी है, बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। वहां पे लेट के कुछ कर रहे हैं, ड्यूओलिंगो चला रहे हैं क्या? हाँ। बेबी ड्यूओलिंगो में अलग अलग लैंग्वेज सीखने का कोशिश करते हैं जो कि अच्छी बात है। एंड अभी रोटी बनाती हूँ फटाफट से, ये देख सकते हैं आप। और इस पकने के बाद थोड़ा सा मैगी मसाला डाला था गाइस, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे रोटी बना रही हूँ बेबी के लिए और बेबी यहाँ पे काउंटर पे ही बैठ के खाएंगे। बोलो कि हाँ यहाँ पे किचन, बेबी यहाँ पे किचन में ही बैठ के खाएंगे। सो गाइस ये था सिंपल सा क्लस्टर बीन का रेसिपी
और इस रेसिपी के बारे में कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा जवाब दूंगी आप लोगों को। एंड बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ट्राई करना। एक बार ट्राई करेंगे ना तो हर हफ्ते बनाने का मन करेगा, आप जाके मार्केट से लेके आके बनाएंगे, इतना टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी सब्जी है ये। एंड मैंने जो जो तरीका बताया है वैसे ही बिल्कुल बनाना, कोई भी चेंजेस करेंगे तो थोड़ा टेस्ट में मॉडिफिकेशन हो सकता है। और अगर आपको और कमेंट और बना के कमेंट करना कि कैसा बना था, ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय करो। अपने दोस्तों के